पता नहीं आदमी कहाँ है क्या। आ गए तुम? हाँ। 3 घंटे से कहाँ थे? कहीं कहीं कहाँ थे 3 घंटे से? अरे सांस कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे भाई सांस तो लेने दे। घर में कितना काम पड़ा है। दीपावली आ रही है। अरे दीपावली आ रही है। अरे रक्षाबंधन आ रहे हैं। रक्षाबंधन घर की सफाई नहीं होगी क्या? अरे रक्षाबंधन कौन करेगा? नौकर लगा दो इस घर में। अरे रक्षाबंधन में अभी पूरा महीना भरे भाई। महीना भरे खाने में तुम्हारे महीना बन नहीं है। अरे तुम बोलने का मौका तो दे भाई। हाँ बोलो बोलो तुम बोलो। अरे मैं ये कह रहा हूँ रक्षाबंधन में भी 1 महीने है तो इतनी जल्दी से ये सब काम करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ? तो तुम एक काम करना, खाना 1 महीने बाद ही खाना। अब जाओ। सारा खाना तो वैसे भी तू ही खा जाती है। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था खाना चल मैं करवा दूंगा। क्या काम है? टाड़ की सफाई होनी है। तीन कमरे तीनों की टाड़ों की सफाई होनी है। पूरे जाले सब होने हैं। तीन टाड़? हाँ जाले। और किचन की सारे घर की सफाई करानी है। मेरे साथ चलो। मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं, मैं तुम्हें सारे बर्तन मैंने वहाँ से खला लिए। फिर अब तुम्हें धोने हैं। वो धोने हैं और मैं जब तक अखबार लगाऊंगी उनमें पहुँच के फिर वो लगाने हैं। ठीक है? अरे भगवान देख मेरी बात सुन। और ऊपर उस पर टाड़ पे चढ़ना है, झाड़ू लगानी है, उस पर गीले कपड़े से साफ करना है। बहुत धूल मट्टी हो रही होगी। कितनी भी हो ठीक है ना, घर सफा रहेगा तभी बाहर के काम अच्छे लगते हैं करने में। वो तो बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा, घर की सफाई से बरकत होती है ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन एक बात सुन, मैं अभी जॉब पे से आया हूँ, ड्यूटी करके आया। जॉब पे से आए हो? 6 बजे छुट्टी होती है, 3 घंटे कहाँ थे? अरे तो चक्कर कहाँ थे? अरे मेरी बात, मैंने पूछा कहाँ थे मुझे जवाब दो। अरे कहीं नहीं था भाई, तेरे चक्कर में ही गया था। कहाँ मेरे चक्कर में? क्या कहते तूने अपनी अपनी साड़ी पी को फॉल सेंटर डालने के लिए भेजी थी या नहीं सुबह मुझे जब मैं ड्यूटी जा रहा था तो? हाँ डाली थी। और तूने मुझसे ये भी कहा था कि शाम को उसे उठाते हुए लाना। हाँ कहा था। हाँ एक काम गलत हो गया है। क्या? टेलर अपनी साली को लेके भाग गया। हैरान, कितना बुरा जमाना चल रहा है। अच्छा हाँ सुबह ऐसे हुआ, मैं गया टेलर की दुकान पर। जैसे ही मैं टेलर की दुकान पर पहुंचा वहां हो रही थी भीड़। मैंने कि भाई साहब भीड़ क्यों हो रही है, कि टेलर का जो दुकान थी उसी के पीछे उसका घर है। मैंने भाई साहब भीड़ क्यों हो रही है, कि बीबी रो रही है टेलर की। मैंने कि बीबी रो रही है, मर गया क्या भाई? मैं तो यही सोच रहा हूँ मर रही है तो मर गया। सही बात है, ऐसों को तो मर जाना ही चाहिए। हाँ मैंने चुल्लू भर पानी में डूब के। हाँ सही बात है। हाँ। बात तो सही है, मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे बेशक बेमन से। अरे ऐसे हो भी नहीं सकते, मार का डर है, लट्ठू जो पड़े कमर तोड़ दूंगी। सही कह रही है। तो मैं ये जो जुल्फे है ना, कट जाएगी। अब देख सुन, मैं गया वहाँ पे हो रही थी भीड़। मैंने पैंट कैसे फट गई? पैंट फट नहीं गई बाबू, ऐसा था ये ऐसा था, तूने जो पैंट जो है ना ज्यादा धो दी थी, ये ब्रश में ज्यादा मार दिया, इस पे तूने फट नाप कटवा रखी है पूरी सोसाइटी में। फटे हुए कपड़े पहनते हो? अरे फटे हुए नहीं, फैशन है आजकल की भाई। ऐसी कौन सी फैशन है? अरे इसको बोलते हैं डैमेज। डैमेज? हाँ। एक दिन तुम भी डैमेज हो जाओगे इस पैंट की तरह। उससे पहले तू हो जाए। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ कहते हो? नहीं तारीफ करता हूँ तेरी। मैं ये सोचता हूँ इतनी सुंदर बीवी भाई, उसकी बीवी बहुत रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, क्यों कह रही थी नास पीटा चला गया और क्या कहते हैं छोटी बहन को लेकर चला गया, वो बहुत दिन से उनके चक्कर में थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसकी बीवी रो रही थी? मैं देख के आया था ना दूर से, भीड़ हो रही थी ना, भीड़ देगी। अरे दूर से पूरी औरतों का ठेका ले रखा है। नहीं नहीं सब देख रहे थे। औरत पंचायत घर बना के रख दिया। तो इन सब बातों को छोड़ो, तो भाग गई तो भाग गई। अब मैं इस बात में नहीं हूँ, इस पर ना तो पीको लगी है ना फॉल हुई है, कुछ नहीं हुआ इसमें। नहीं फिर क्या उठा ले? अरे तो मैं इसको कहाँ देके आता, जब टेलर ही भाग गया तो मैं क्या करूँ? इतनी अच्छी साड़ी रेड मार दी मेरी। अरे इसमें कुछ किया ही नहीं है, जैसे तूने दी थी बस, तूने बस घड़ी करके दी थी। मैंने एक काम करो, चलो मेरे साथ काम करवाओ और आप दूसरे टेलर के जाना। और वो टेलर है ना वो, अच्छा मेरी बात सुन, वहाँ पे मार्केट में वहाँ जाना है। मेरी बात तो सुन, देख उसमें लगेगा टाइम, देख तीन टाड़ में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद तू अपनी किचन के बर्तन बता रही, मना नहीं कर रहा हूँ काम करने की, मना नहीं कर रहा हूँ उसमें भी। कर भी नहीं सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं है। फिर उसके बाद देख बर्तन भी साफ करने, उसमें भी टाइम लगेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं तेरे लिए फिर खाना भी बनाना पड़ता है। बनाना है। हाँ फिर अब तो उसमें टाइम लगेगा। सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है। अरे मुझे मालूम है तू दुकानों को खा, वो चाय रखी थी एक लोटे में, बस वही पी है। एक लोटा चाय पी के, और मुझे पता है तूने पापे खाए एक पैकेट। सुबह से कुछ खाया और नहीं है, मैंने ये समझ रहा बिल्कुल भूखी हूँ। बस वही एक पैकेट पापे और वही एक लोटा चाय, थोड़े से अनार खा लिए थे, थोड़ी सी सेब खा ली थी, कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन। मैं तो भूखी सी रह जाती हूँ, है ना? बता एक बात पूछ, बुरा तो नहीं मानेगी? और वो रसगुल्ले रखे थे, एक खा लिया, 10 रसगुल्ले थे उसमें, एक क्यों खाया? अब 9 रह गए, अब मुश्किल से मुझे 9 ही खाने पड़े। और कुछ खाया और नहीं है, वीकनेस हो रही है शरीर में, एसिडिटी हो रही है मुझे, चक्कर आ रहा है मुझे। चक्कर मालूम है क्यों आ रहे हैं?
अब तुझे मैं बताऊं क्यों आ रहे तुझे चक्कर चादा खाने की वजह से। चिल्ला मत। दो अनार 9 रसगुल्ले कौन खाता है? एक पैकेट पापे का मालूम है 25 रुपए का आता है, 25 पापे निकलते हैं, आदमी को उल्टियां हो जाएंगी इतना खा के। एक लोटा चाय तुझे क्या कहते हैं भादी नहीं होती? हाँ भादी तो तुझे हो रखती है, होकर नहीं रही, तमाम मोटी हो रही है दिन पे दिन, दुनिया भर की मीठी चाय पीती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। जियो करिए, मैंने कुछ नहीं खाया भाई साहब, मुझसे पूछो, मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह जब यहाँ से गया मैंने कहा दो पराठे सेक दे मुझको, अरे पराठे खाओगे मोटे हो जाओगे, अपनी तरफ भी देख लिया कर एक बार शीशे में। देख लिया तुम ज्यादा खा खा के ना, शर्म आ रही होगी है ना, देख के शर्म आती होगी, देख के अपने आप को शीशे में है ना। नहीं तुम्हें देख के शर्म आती है, सब सोसाइटी की औरतें कहती है ये तुम्हारा पति है नौकर, दिल पर पत्थर रखे कहना पड़ता है, बीमार हो गए थे, बीमारी में से उठे हैं, बीमारी में से उठे के बीमार कर दिया तूने मुझे। अब देख सुन, मुझ पे आज ये कोई काम नहीं हो रहा, मैं करूंगा संडे वाले दिन, संडे वाले दिन रहती है मेरी छुट्टी, करवाऊंगी तुम्हें संडे वाले दिन आई आशिया, चलो नहीं, नहीं संडे वाले दिन करूंगा क्योंकि इस टाइम इस काम में लगेगा टाइम, और काम अगर काम कराएगी तो मुझ पर खाना नहीं बनना, फिर काम करो, खाने की तो बाद में देगी जाएगी, होटल से मंगा लूंगी मैं, होटल से मंगा लूंगी और क्या। मालूम है बाहर जो है क्या कहते हैं, तूने सुना वो लड़ाई हो गई थी अभी मणिपुर वाली लड़ाई के चक्कर में पूरी बाहर कर्फ्यू हुआ, अगर बाहर अगर निकल के गई तो पुलिस डंडे इतने तोड़ेगी, खाना बाद में देगी। अरे देगी, मैंने देखे सब पुलिस वाले, ठीक है ना, मुझसे कोई पंगा ना ले सके, जाके देख ले एक बार, तुम भी चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई पिटने का शौक थोड़ी है, मैं तो खाना बना रहा हूँ ना, मैं मुझे खाने का सारा सामान लाके दे, बना के मैं रख दूंगा। अब आई ना कल ठिकाने पे, और क्या, खाना बनाओ और जाके सफाई, तो सामान भी तो लाएगी, सब्जी है नहीं है कोई भी, सब्जी वाली सब दुकानें बंद है क्योंकि उस लड़ाई दंगे के चक्कर में कर्फ्यू लगने वाला है 2-4 दिन में। एक बात बताऊं, मैं भले ही तुम्हारी बीबी हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा दिमाग रखती हूँ, सब्जी वाला बस 5 मिनट हुए उसे गए, तुरंत सारी सब्जी फ्रिज में लगा दी मैंने, ले कोई बात नहीं है, ठीक है। सब्जी तुम्हें पता है क्या बनाना है? शिमला मिर्च गोभी आलू मिक्स करके मिक्स वेज बनानी है आज, और रायता बनाना है, बूंदी तो बिल्कुल मत डालना उस रायते में, अगर तुमने उस रायते में बूंदी डाल दी तुम्हारे मुंह पे मारूंगी खींच के, जानवर है। और सलाद काटना है, जानवर है, और एक किलो मैंने खीरे ले लिए, सलाद काटना बेहतरीन तरीके से, डाइनिंग टेबल पे लगाओ, और जब तुम पहले सफाई करो, तुम मुझ पे नहीं हो रही सफाई, एक ही काम होगा, या तो सफाई करा ले या क्या कहते हैं खाना बनवा ले, नहीं तो कोई बात नहीं है मैं घर के बाहर सो जाऊंगा, चाहे मुझे आज छत पे सोना पड़े, लेकिन नहीं करूंगा कोई भी काम, नहीं करूंगा। और वैसे भी मेरे ऑफिस के थोड़े से प्रोजेक्ट रहे हैं, पहले मैं उनको कंप्यूटर पर क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आज अगर वो क्लियर नहीं करे तो कल मुझे मिलने वाली है सैलरी, वो कल सैलरी मिलने वाली है, और सैलरी नहीं मिलेगी, बॉस सैलरी रोक देंगे 8 दिन के लिए अगर मैंने उनको प्रोजेक्ट क्लियर करके नहीं दिया। 8 दिन के लिए ही तो रोकेंगे, तो कोई बात नहीं, रोकने दो, पिछली सैलरी अभी मेरे पास है। कुछ नहीं है उसमें से, सब बराबर हो गया है, क्योंकि मेरे अकाउंट में से ही पैसे जा रहे थे, और एक एक रुपया करके तूने 40,000 रुपए बर्बाद कर दिए, कभी साड़ी ला, कभी ब्लाउज ला, कभी ये ला, कभी बोला कभी घर के रेनोवेशन कराओ, कभी नीचे मैट पड़वाओ, कभी ये करो कभी वो करो, तूने 40,000 रुपए पूरे धो दिए, अब नहीं है एक रुपया भी घर में, 300 रुपए मेरी जेब में पड़े, अगर 8 दिन इसमें कट जाए तो कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई काम नहीं करता ऑफिस का। अच्छा तो एक काम करो, बताओ, जाओ जाके खाना बना लो जब तक। हाँ खाना बना ले रहा हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं काम करूंगा संडे को, सारा काम करूंगा। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ खाना, खाना बना लेता हूँ, गर्म गर्म बढ़िया टेस्टी। हाय स्वीटी कैसी है ये बता? अरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। अच्छा मेरे हस्बैंड? अरे ठीक है कुछ नहीं, किचन में खाना बना रहे, और क्या, मैंने तो अपने पापा से पहले कह दिया था, अब तू तुझे ही देख ले, अब तेरा पति तुझ पे इतना दोस्त जमाता है, वो पति है या फिर कोई जज है, मेरे पति को देख ले, अब रात को सोने से पहले मेरे पैर दबाते हैं, फिर मेरे सिर में मालिश करते हैं। लोहा कवाड़ा बेचो, लोहा कवाड़ा बेचो। हाँ एक मिनट होल्ड रखना, अरे कौन है? लोहा कवाड़ा बेचो, लोहा कवाड़ा बेचो, लोहा कवाड़ा बेचो। अच्छा अच्छा स्वीटी मैं जरा बाद में बात करती हूँ, मुझे लग रहा कुछ बेचने वाला आया है, ठीक है बाय। ठीक है लोहा कवाड़ा बेचो, घर में बेकार लोहा पड़ा हुआ, कवाड़ा बेचो। ओ भैया कवाड़े वाले इधर आना। हाँ बहन जी इधर आओ जरा। अच्छा अच्छा जी। राम राम बहन जी। हाँ नमस्ते। राम राम। कैसे? अरे बढ़िया बहन जी बढ़िया, और तुम ठीक हो? हाँ पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे ना कितने दिनों से जानते हो। अब तुम ही पूछ रही है, पहले जब भी पूछा है मैंने। आप बताओ क्या, ये बताओ कवाड़े में क्या क्या लेते हो? क्या क्या लेते हो? देखो बहन जी कबाड़े में यही है, लोहा प्लास्टिक और ठोस जो लोहा होता है, सरिया भरिया होती है, बेकार परी होती है। ठोस लोहा कौन सा होता है? अरे सरिया वगैरह नहीं होती बहन जी, जो बेकार परी रहती है, ठोस लोहा बिल्कुल कबाड़ा रद्दड़ होता है। अच्छा 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 वो लोहा। हाँ
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो मेरे पास बहुत सारा कबाड़ा है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि प्लास्टिक क्या रेट है और लोहा क्या रेट है। प्लास्टिक बहन जी 20 रुपए किलो है। ठीक है। अच्छा और जो लोहा है, लोहा जैसे दो तरीके के लोहे होते हैं, एक ठोस और एक वैसा कच्चा लोहा, जैसे कूलर कूलर वूलर जो होते हैं। हाँ, कमजोर आपकी तरह। देखो समय बर्बाद मत करो, जो पूछना पूछो बहन जी। अच्छा तो ये बताओ क्या कितना बताया था तुमने। प्लास्टिक तो 20 रुपए किलो चल रही है। ठीक है। लोहा और वैसा जो कच्चा अच्छा जो लोहा होता है कूलर वूलर का, जैसा अटम्ब टाटका मंडल होते हैं, वो चल रहे हैं तुम्हारे 22 रुपए किलो। अच्छा। ठीक है। और ठोस लोहा चल रहा है 30 रुपए किलो। देखो भैया क्या मैं दूंगी 25 रुपए किलो। क्या 25 रुपए? ए बहन जी क्या बात है। तुम एक बात बताओ कि तुम अब के अभी अभी ये एक बात बताओ, हम अभी के जमाने के हैं। नहीं तो जमा तुम इतना कम ले रहे हो क्या? हा? अच्छा एक बात बताओ, इतनी सरकारें बदल गई बहन जी, इतना सब कुछ हो गया, अरे आए दिन इंसान बदल रहे हैं। अरे तुम इंसानों की क्या वो कर रहे हो, तुम बात करो हमारे लोहे का प्लास्टिक की। मेरे पास बहुत सारा लोहा प्लास्टिक है। देखो बहन जी मेरा मजबूत भी है और कच्चा भी है, सब मिक्स माल है। मिक्स माल है बहन जी। देखो ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं जितना लोहा ले रहा हूँ उतना ही लूंगा, इससे कम और ज्यादा। 25 देना है तो दो और ना तो निकलो। चलो देखो बहन जी अब ये तो बुरी बात हो गई कि 25 देना है तो दो। अब देखो नहीं देना तो बाकी आपकी इच्छा, 2-3 रुपए में तुम्हारा क्या घट जाएगा। तो मैं तुम्हें देखो एक रेट बोल रहा हूँ 23 रुपए किलो। अब बताओ। हाँ 23 नहीं, मैं तुम्हें बोल रही हूँ 25 देना है। अब ऐसा है बहन जी देखो, तुम है काय को हमारी कपड़े खा रही हो, तो धूप पड़ रही है ऊपर से और तुम और है। ऐसा है अब जो है तुम है पहले वो माल दिखाओ, जो भी तुम्हारा लोहा कैसा है कैसा नहीं उसमें छाटूंगा बीनूंगा। लो तो ये बात करनी थी पहले, चलो आओ अंदर लो माल दिखाऊं तुम्हें पहले। क्या पता लोहा आई है या ना, कैसे देखो तो सही क्या है देखो भैया ये है। अब देख लो कितना सारा है। तो इसमें ये तुम बता रहे हो 23 कर लो 22 कर लो। अरे तो है तो देखो, अरे एक बात बताओ माल पानी तो खूब है। ये देखो कि दो तो तुम्हारे कूलर है, एक नल है और ये इधर सरिया भरिया पड़ी है, इधर ये प्लास्टिक वगैरह पड़ी है। और ये नाच की टंकी है ना, ये टूट रही है सारी, इसे भी ले जाओ। ये भी देख रही है और क्या, अब मुझे अच्छे पैसे दे के जाना। ठीक है ठीक है बहन जी, चिंता मत करो चिंता मत करो। और क्या, और ये हमारा एक्टिवा है ना, इसके पहिए पहिए पूरी प्लास्टिक। मेरे हस्बैंड ने क्या काम किया था कि जब वो स्कूटी सीख रहे थे तो ठोक दी किसी दीवार में आके। अच्छा तो मैंने क्या काम करा, मार मार हथौड़े उसका कबाड़ा बना के इसमें घेर दिया। अरे ये तो बड़ी गजब की बात है बहन जी। वैसे एक बात बताऊं मजा, अच्छा ये एक्टिवा ही भेज दो तो मैं का एक्टिवा नहीं सब सामान बिकेगा, लेना बात करो ना तो निकलो। चलो ना 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 लेना है बहन जी, कैसी बात करी, कट्टा बिल्कुल पास में ही रखा है मैंने। तो पैसे तो पहले पैसे देखो, ऐसा है पैसे दूंगा रुक जाओ, अभी मैं अपना कुछ काम कर लूँ इसमें इकट्ठा करके इसे भर तो लूँ, उसके बाद जाके तोल ताल के अपने बढ़िया कर दूंगा। ठीक है सही है। कितने रुपए किलो दोगे? 25। बहन जी 25 देना दो ना तो निकलो। चलो तुमने 23 की कह दी, तुमने मान ना ना 23 से मैं मान। अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम 25 कर लो। ठीक है ठीक है, अब मैं 25 पर आ जाऊं। ठीक है। अरे बहन जी, अरे एक बात बताओ, ये सारा सामान रखवा दिया ना, ये सारा सामान आ गया तो कुछ और भी रह गया है? हाँ हाँ भैया बस सारा सामान रह गया, बस एक और सामान रह गया उसमें लेके आ रही हूँ। एक और रह गया, बाद में दूंगा पैसे, लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। ये भगवान लो, ये क्या है? ये हारमोनियम है जिस हा? जो ये मेरे घर में हमेशा बजता रहता है। अरे ये तो वो पैसा बाजा दीखे। अरे बाजा है भोपू बजाने वाला। अरे वाह, तो मतलब इसे भी बेच रही हो? बेच रही हूँ, क्योंकि इससे मेरे सर की किसी दिन मेरे दिमाग की नस पड़ जाएगी। तो रुको लाओ, मैं पहले मैं ऐसा है इसे रखे आऊँ और मैं फिर आगे पैसे देता हूँ। ठीक है आता हूँ अभी। ये सारा कबाड़ा कम से कम मैंने घर से। बहन जी और कुछ तो नहीं रह गया? अब क्या है घर में से ये समझ लो, ऐसा लग रहा कचड़ा निकल के गया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे निकालना चाहिए निकालना चाहिए। और क्या? अब देखो बहन जी मैं हिसाब किताब करता हूँ तुम्हारा, 2280। देखो आपके जो टोटल पूरे जो बैठ रहे पैसे वो है तुम्हारे 3090। 3090? ठीक है। अरे वाह 3090, तो दे लो आप 3000, ये पहले तो 3000 पकड़ो। ठीक है और दे देते। रुक जाओ बहन जी रुक जाओ, तो कम से लग रहे मुझे तो। जो 3000 ये कम कम क्या है, 5000 गई क्यों? अरे बहन जी बेकाई क्या है तुमने, तुम्हें पता है इस समय ऐसा जमाना चल रहा है, इतना महंगे महंगा है नहीं, हमें तो खुद नहीं मिल रहा इतना प्रॉफिट हमें खुद। 90 तो दो, 190 दे रहे थे। ऐसा है आप मुझे खुले करके दे देना, या फिर कोई और चीज हो तो उसे भी दे दो मुझे। कोई है ऐसी कोई चीज है जो बेचने लायक हो घर में? और तो सब मैंने बेच ही दिया। बेच दिया? हाँ। अरे तो कुछ और भी तो होगा देख लो। और क्या है बहन जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये क्या पड़ा है, खाना पड़ा है इसे भी दे दो।
अबे तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे पास पूरे पहुंच ही गए मेरे। अरे हाँ, ये हमारे पंखे का जाल है, तो आज तक पंखे में पंखा ठीक होके नहीं आया। अच्छा। पंखड़ी वो आंधी में उड़ गई। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ। लो है, तुम्हारे मुंह के साइज के बराबर है। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये सही है, ये मजबूत है, सारी चीज मैंने मजबूत दी है, एक नंबर की मुझे बता देंगे। और सुनो, आगे से और भी कुछ बेचना हो, कुछ भी वो करना हो, ठीक है, तो तुम मुझे बता देना, मैं आता रहता हूँ उसके लिए, फेरी करने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चिंता मत करना, ठीक है, पैसे आपके पास पूरे पहुँच गए। अरे आएंगे क्यों ना, आराम का थोड़ी है हमारा ये। अरे बहन जी ठीक है ठीक है, अच्छा राम राम, जाओ कहीं और निभा। बड़ा ही खजो की औरत है भाई ये, कितना ट्रैफिक था आज तो, बस ने एक घंटा लेट कर दिए पूरे। वाह भाई वाह, सैलरी तो अभी मिली नहीं है और तेरे पास इतने सारे पैसे। पैसे और क्या आने थे? पैसे कहाँ से? कहाँ से? हाँ काम के पैसे हैं ये मेरे। अरे तू इन सब बातों को छोड़, चल अच्छी बात है, काम के पैसे हैं, हमें तो ये कर रहा हूँ, बढ़िया बात है। हाँ वो तू काम बता रही थी ना कि घर का काम पड़ा है, तीन टाड़ खाली होने हैं और किचन की सफाई होनी है और भी काम बता रही थी, घर के जाली वाली मारनी है। ला चल मेरे साथ। आपको जरूरत ही नहीं है काम की? जरूरत नहीं है और क्या, आपको जरूरत नहीं है काम की? तूने काम किया? हाँ। अरे वाह, मैंने सारा काम कर लिया। अरे वाह, गधे कब से काम करने लगे? क्या? नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो भाई, आज तूने काम किया, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं ये पैसे कहाँ से आए? हाँ पूछ तो रहा था, वही तो पूछ रहा था कहाँ से पैसे आए। ये पैसे वहाँ से आए जो जितना सारा कबाड़ा था, स्कूलर, तुम्हारी जो एक्टिवा वगैरह सब टूटे थे, पूरा टम्पू भरवा के लदवा के कबाड़े वाले को दे दिया। ये पैसे उसी के। तूने पिताजी का स्कूटर बेच दिया? पिताजी का? ओ मोर लगी हुई थी तुम्हारे पिताजी का। पिताजी का स्कूटर था, बजाज का स्कूटर था भाई, पिताजी जब मरे थे तो मेरे हाथ में उस स्कूटर को देखे गए थे। अच्छा, और क्या बेच दिया तूने? सब बेच दिया। क्या क्या? सारा सामान, दो तो कूलर थे वो बेच दिए, और जो हमारे घर के जब घर बना था ना ये, हाँ? तो जितनी सरिया वरिया थी सब बेच दी मैंने। कबाड़ा इतना इकट्ठा हो रहा था जी, अब तुम ही बताओ। और किचन में जो फालतू डिब्बे थे ना स्टील के, वो भी मैंने बेच दिए। अपने आप को क्यों नहीं बेच दिया? तुझे इतनी सी अकल होनी चाहिए, अभी लाया था, 7 महीने कूलर को हुए हैं, दूसरा सीजन आने का इंतजार कर रहा था कि मैंने सोचा इन कूलरों का दोबारा घास डाल के और इनको चालू कर लेंगे, उसमें कोई कमी थोड़ी थी कूलरों में। और क्या कहा तुमने, सरिया बेच दी? सरिया मकान आप बना लियो अपने आप, मानो मैं कितने रुपए किलो की सरिया थी? 60 रुपए किलो की सरिया थी, वो 3 सूत की सरिया थी, पूरी लेंटर के लिए लाया था कि पिलर पड़वाऊंगा इससे। इतनी? और हाँ एक और, और एक और, वो तुम्हारा जो भोपू था ना, हारमोनियम, वो बेच दिया है? वो भी बेच दिया। ये समझ लो कि ना तो तुम कुछ सीख रहे हो उससे, फालतू का शोर बचाते हो, इससे मैंने कलेसी खत्म कर दी। हारमोनियम बेच दिया और क्या, बेच दिया फालतू का। मैं बताऊं, देखो जी मैं कबाड़ा इकट्ठा नहीं चाहती, बस कबाड़ा था बेच दिया। अपने आप को क्यों इकट्ठा कर रखा है इस घर में, तू भी तो एक कबाड़ा है। मेरी जिंदगी में वैसी कौन सी वो मनुष्य घड़ी आई थी जो तेरे बाप ने मेरा मेरे घर पे मुझे देखने आ गया और मेरा बाप तेरे घर पे तुझे देखने चला। वो हारमोनियम की तुझे पता है, वो दादाजी के भी दादाजी का हारमोनियम था, पुश्तैनी हारमोनियम था। उस हारमोनियम की वजह से हमारे दादा घर दादा ये घर में बैठी हुई है तू, उसी हारमोनियम की वजह से मीरासी परिवार से थे, गाते थे बजाते थे, उनका जिंदगी पूरी गाने में बिताने में चली गई। मैं उन्हीं की बदौलत, हमारे पिताजी गाते थे लेकिन मैंने गाना नहीं सीखा क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोई अच्छा काम करूं, लेकिन भगवान ने मेरी तकदीर में इतना बुरा काम लिख दिया। अच्छा लेकिन ये बताओ, लेकिन वो तुम्हारे दादा परदादा तो रहे नहीं अब, जब वो ही नहीं निकल रही है पहली टिकट से ही, तो क्या करे कोई, फालतू का ये हारमोनियम रखते हैं? हारमोनियम ये क्या, उनकी याद में समाधि बना के रख रखा था तुमने? बकवास बंद कर दे अपनी, अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा, रोज सपने में आते हैं। इनको क्या हो गया? अरे सुनो जी सुनो जी, अरे तुम्हारे बगैर तो मैं अधूरी रह जाऊंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने दादाजी की तरह ये भी निकल लिए। अरे सुनो जी, मार दे गला घोट दे मेरा, चाहती है तू तो कि मैं मर जाऊं। नाटक करना भी नहीं आ रहा, ऐसे कर रही है जैसे पति बेहोश नहीं हुआ, जैसे पति मर गया हो। मर गए लेकिन तेरे चेहरे पर वो मरने वाली फीलिंग नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है हंस के मार रही है। हाँ तो इन पैसों को, इन पैसों को रख, तूने बेड़ा गर्क कर दिया ना इस घर का, 1-1.5 लाख का सामान तुझे 10-5 हजार में बेच दिया। भगवान करे, अब देख अब लाऊंगा नहीं, मरेगी ना अगली गर्मियों में, गर्मी आने वाली है, मरेगी ना जब कहेगी ना कूलर लेके आओ, पंखा लेके आओ, कुछ नहीं लेके आऊंगा कुछ भी, मेरी सैलरी बर्बाद कर दी। बता मकान की सरियाए बेच दी, हारमोनियम जो दादाजी का था, भगवान की कसम मैं बस कुछ नहीं कह नहीं पा रहा हूँ, वो तो मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो तेरा गला घोट के तेरी जान ले लूँ। हाँ नहीं ले पाओगे, चाय बना लो जाओ जल्दी।